नमस्कार मित्रों, इससे पूर्व भी मैंने YouTube पर यण तथा अयादि संधि से संबंधित दो वीडियो अपलोड किया है। आशा है आप सभी उससे लाभान्वित हुए होंगे। आज हम आपके समक्ष गुण संधि पर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, गुण संधि यण संधि तथा अयादि संधि का समावेश यद्यपि अच संधि में है, किंतु गुण संधि यण तथा अयादि संधि से थोड़ा भिन्न है। भिन्नता इस बात को लेकर के है कि यण तथा अयादि संधि में आपने देखा होगा कि पूर्व वर्ण के स्थान पर ही कोई यण या अयादि के रूप में आदेश होते हैं, किंतु गुण संधि में जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं उसमें पूर्व तथा पर इन दोनों ही वर्णों के स्थान पर एक आदेश होता है, अर्थात गुण संधि एकह पूर्व परयोह के अधिकार में होता है, अर्थात पूर्व और पर वर्ण परस्पर मिलकर किसी एक वर्ण में परिवर्तित होते हैं। तो अब हमें यह बताना जरूरी हो जाता है कि हम गुण संधि किसको कहते हैं। तो बच्चों, जब दो अच वर्ण परस्पर मिलकर गुण के रूप में परिवर्तित होते हैं तो उसी संधि को हम गुण संधि कहते हैं। मुझे विश्वास है कि शायद आपको इससे गुण संधि का स्वरूप समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसके स्वरूप को समझने हेतु हमें सर्वप्रथम गुण को समझना होगा। तो बच्चों, गुण एक संज्ञा है। संज्ञा से तात्पर्य है गुण कुछ वर्णों का नाम है, और गुण संज्ञा विधायक सूत्र अदेंग गुण है। अब अदेंग गुण सूत्र पर यदि हम प्रकाश डालें तो इनमें दो पद है, एक तो अदेंग है और दूसरा गुण है। इन दो पदों में से अदेंग अविधीयमान है जबकि गुण विधीयमान है। तो इस सूत्र का अर्थ करने से पहले हमें अदेंग इस पद का संधि विच्छेद करना होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अदेंग शब्द में जस्तु संधि है और इसका विच्छेद होगा अत प्लस एंग। अब हमारे सामने में प्रश्न उठेगा कि अत से क्या तात्पर्य है और एंग हम किसको कहते हैं, क्योंकि इस सूत्र का अर्थ होता है कि अत और एंग को गुण कहते हैं। तो मित्रों, अत शब्द तपरह तत्कालस्य सूत्र के सहायता से अ वर्ण का बोधक है, जबकि एंग एंग प्रत्याहार वाचक एंग शब्द का प्रथमांत रूप है, और एंग प्रत्याहार में ए तथा ओ इन दो वर्णों का समावेश है। इस प्रकार अदेंग शब्द से अ ए तथा ओ इन तीन वर्णों का बोध होता है। इस कारण इस सूत्र का तात्पर्य होगा कि अ ए तथा ओ इन तीन वर्णों को हम गुण कहते हैं, अर्थात अ ए तथा ओ इन तीन वर्णों का नाम गुण है। अब आप मेरे द्वारा जो गुण संधि के विषय में पूर्व में कहा गया है कि जब दो स्वर वर्ण परस्पर मिलकर गुण के रूप में परिवर्तित होते हैं तो उस संधि को हम गुण संधि कहते हैं, तो इसका स्पष्ट अर्थ यह होगा कि जब दो स्वर वर्ण परस्पर मिलकर अ ए तथा ओ इन तीन में से किसी भी रूप में परिवर्तित होते हैं तो वहां होने वाली जो संधि होती है उसे ही हम गुण संधि कहते हैं। जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है कि गुण संधि में पूर्व तथा पर वर्ण परस्पर मिलकर किसी एक वर्ण में परिवर्तित होते हैं, और वो एक वर्ण अ ए तथा ओ इन तीन वर्णों में से ही कोई एक होता है। तो मित्रों, इसे हम समझने हेतु सर्वप्रथम इन तीन वर्णों के स्वरूप पर थोड़ा विचार विमर्श कर लें। अ कंठ वर्ण है और ए कंठ तथा तालु वर्ण है, जबकि ओ कंठ तथा ओष्ठ वर्ण है। तो जब दो वर्णों के स्थान पर कोई एक वर्ण के रूप में गुण होगा तो निश्चित रूप से यदि कहीं ए के रूप में गुण होगा तो पूर्व वाला वर्ण निश्चित रूप से कंठ वर्ण होगा और बाद वाला वर्ण निश्चित रूप से तालव्य वर्ण होना चाहिए। इसी तरह यदि कहीं ओ के रूप में गुण होता है तो पूर्व वर्ण के रूप में कंठ वर्ण होना चाहिए और आगे कोई ना कोई ओष्ठ्य स्वर वर्ण होना चाहिए। किंतु यहीं यह प्रश्न उठता है कि इन तीन गुण संज्ञक वर्णों में से अ एक ऐसा वर्ण है जो केवल ओष्ठ से बोला जाता है, जबकि
अ के रूप में होने वाला गुण पूर्व तथा परवर्ण के स्थान पर होगा, तो निश्चित रूप से हमारे सामने में यह प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि दो स्थानों से बोले जाने वाले वर्ण के स्थान पर कोई एक गुण संज्ञक वर्ण होगा तो वह केवल अ के रूप में कैसे हो सकता है, क्योंकि अ तो केवल कंठ से बोला जाता है। तो इसका उत्तर है कि अ के रूप में गुण कहीं भी उरन रपरह सूत्र की सहायता से होता है, अर्थात अ के रूप में कहीं भी गुण केवल अ के रूप में नहीं होता है अपितु उरन रपरह सूत्र की सहायता से होता है। अब हमारे लिए प्रश्न उठता है कि हम उरन रपरह सूत्र को समझें। तो मित्रों, उरन रपरह सूत्र में दो पद हैं, एक तो उरन है और दूसरा रपरह है। उरन शब्द का अगर हम विच्छेद करें, संधि विच्छेद करें, तो उह प्लस अण होता है, तो और उह जो शब्द है वह री का षष्ठ्यंत रूप है। जैसे कि पूर्व के वीडियो में मैं आपके सामने उपस्थित कर चुका था कि सूत्रस्थ षष्ठ्यंत पद का अर्थ करने हेतु स्थाने शब्द की अनुवृत्ति ली जाती है, तो निश्चित रूप से उह यदि री का षष्ठ्यंत रूप है तो उह का अर्थ होगा री के स्थान पर। और यही सूत्र में स्थित जो अण है वह भी एक संज्ञा है, अर्थात अण भी एक प्रत्याहार है, और इस प्रत्याहार का निर्माण माहेश्वर सूत्र में इत संज्ञक पूर्व णकार से हुआ है, अर्थात अण प्रत्याहार जो यहां है उसका निर्माण आई उण सूत्र स्थित इत संज्ञक ण को लेकर के हुआ है, जिसके कारण से अण का अर्थ होगा अ ई तथा उ। तो अब आप के सामने में पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि उ का अर्थ होता है री के स्थान पर और अण का अर्थ होता है ई उ अ ई तथा उ, और रपर का अर्थ होता है जिसके बाद में र हो। तो इस सूत्र का तात्पर्य होगा री के स्थान पर होने वाला अण रपर रूप वाला होता है। इतने से भी मित्रों शायद आपके सामने को स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आया होगा, इसे और समझने की आवश्यकता है। तो मैं कहूंगा कि सूत्रस्थ जो रपरह शब्द है उस रपरह शब्द स्थित र प्रत्याहार बोधक शब्द है, और र प्रत्याहार में री तथा लरी इन दो स्वरों का समावेश है। इसका मतलब होगा इस कि री के स्थान पर होने वाला अण अर्थात अ ई तथा उ रपर तथा लपर रूप वाला होगा, अर्थात अ के रूप में कभी भी गुण अर तथा अल के रूप में होगा। तो इस तरह से हमारे सामने में यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि जब दो अच वर्ण परस्पर मिलकर गुण के रूप में परिवर्तित होते हैं और वह परिवर्तन अ के रूप में होता है तो वह अ न होकर अर तथा अल के रूप में होगा। अब आपके सामने प्रश्न यह उपस्थित होगा कि गुण संधि किस परिस्थिति में होती है। तो मित्रों, पाणिनि के द्वारा आद गुण सूत्र गुण संज्ञा विधायक सूत्र के रूप में निर्देशित है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आद गुण सूत्र में दो पद हैं, एक तो आद है और दूसरा है गुण। आत जो शब्द है वह अवर्ण का पंचम्यंत रूप है, और इसमें आपको कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि आप राम शब्द का ही पंचमी विभक्ति में रूप कर बनाते हैं तो वह रामात होता है। इसी तरह से अ का पंचम्यंत रूप क्या होगा, आत होगा, और उस आत शब्द का अर्थ होगा अवर्ण से पर, और अवर्ण का मतलब होता है अ तथा आ। तो और इस सूत्र का अर्थ करने के लिए हमें इको यणचि सूत्र से अच की अनुवृत्ति करनी होती है, और तब जाकर इस सूत्र का अर्थ होगा अवर्ण के बाद अच होने पर, अर्थात अ और आ के पश्चात स्वर वर्ण होने पर पूर्व तथा पर वर्ण के स्थान पर गुण एकादेश होता है। अब आपको यह समझना होगा कि गुण संधि की स्थिति तो चार होगी। क्या होगा, पहली स्थिति में
पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इन सभी स्थितियों में पूर्व वर्ण तो निश्चित रूप से अ या आ ही होंगे। बाद वाले वर्ण को हमें समझना होगा, तो उसे समझने से पूर्व मैं आपके सामने में पहले चार स्थितियां रखता हूं। चार स्थितियां निम्न होंगी। पहली स्थिति में पूर्व में अ या आ होगा, और उसके बाद यदि ई या ई होता है तो ये दोनों ए के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। दूसरी स्थिति होगी यदि अ या आ के पश्चात उ या ऊ होगा तो ये दोनों ओ के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। तीसरी स्थिति होगी यदि री के बाद कोई अच होता है तो वह दोनों अर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, और इसी तरह यदि री के बाद में कोई अच होता है तो वह अल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ये तो रही गुण संधि की चार स्थितियां, किंतु इसे आप इस रूप में भी समझ सकते हैं कि गुण संधि में आप जैसा कि आप सुन चुके हैं कि पूर्व वर्ण निश्चित रूप से अ या आ होता है, और गुण संज्ञक वर्णों में अ ए तथा ओ का समावेश है। तो परवर्ण के रूप में कौन सा वर्ण होगा, इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जैसे कि हमने आपको इससे पूर्व बताया है कि अ के रूप में गुण कहीं भी अर या अल के रूप में होता है, तो आप सर्वप्रथम अर के स्वरूप पर ध्यान दें। तो अर में दो वर्ण है, एक तो अ है और दूसरा र है। अ का उच्चारण स्थान कंठ है और र का उच्चारण स्थान मूर्धा है। तो जब भी अर के रूप में कहीं गुण होगा तो निश्चित रूप से पूर्व में कंठस्थानीय वर्ण होंगे और बाद में मूर्धा स्थानीय वर्ण होंगे। तो इसलिए मैंने जो तीसरी स्थिति आपके सामने में रखी है कि अ और आ के बाद यदि री होगा तो वो दोनों अर के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। इसी तरह से यदि री के बाद में कोई स्वर होता है तो वो कौन सा स्वर होगा, तो आपको मैं पहले बता चुका हूं कि अ के रूप में बदलाव दो तरह से होता है, अर या अल के रूप में। तो अर के रूप में बदलाव होने पर तो आपने देख लिया है कि पूर्व में अ और आ होता है और बाद में री होता है, किंतु अल के रूप में बदलाव होने पर क्या होगा, तो पूर्व में तो निश्चित रूप से अ या आ ही होगा, क्योंकि अल में जो अ है उसका उच्चारण स्थान कंठ है और यही जो ल है उसका उच्चारण स्थान दंत है, तो दोनों को मिला करके कंठ दंत होता है। तो निश्चित रूप से यदि पूर्व में कंठ वर्ण है तो बाद में दंत वर्ण होने पर ही अल के रूप में गुण होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो गुण संज्ञा तीन वर्णों में से अ के रूप में गुण को शायद आप समझ चुके होंगे। अब प्रश्न उठता है कि ए के रूप में जब कहीं गुण होगा तो कैसी स्थिति बनेगी पूर्व और पर वर्णों की। तो हम सबसे पहले ए के स्वरूप पर ध्यान दें। ए जो द्विमात्रिक स्वर है जिसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु है, जैसा कि हम जानते हैं कि गुण संधि में पूर्व वर्ण कंठ वर्ण होता है और कंठ स्वर के रूप में केवल दो वर्ण है, अ और आ, तो निश्चित रूप से ए के रूप में गुण होने के लिए पूर्व वर्ण के रूप में तो निश्चित रूप से अ या आ में से कोई वर्ण होगा, किंतु बाद वाला स्वर कौन सा होगा, तो बाद वाला स्वर ए के स्वरूप को देखकर के बताया जा सकता है कि ए का उच्चारण स्थान अगर कंठ और तालु है और पूर्व वर्ण के रूप में कंठ वर्ण होता है तो बाद वाला वर्ण निश्चित रूप से क्या होगा, तालव्य वर्ण होगा। इसलिए मैंने आपको पहली स्थिति में ही बताया था कि यदि अ आ के बाद में ई या ई होगा तो वो दोनों ए के रूप में परिवर्तित होंगे। अब तीसरी, अब ओ के रूप में यदि कहीं गुण होता है तो उसे समझने के लिए आपको ओ के स्वरूप को जानना होगा कि ओ भी द्विमात्रिक स्वर है और ओ का उच्चारण कंठ और ओष्ठ इन दोनों की सहायता से होता है। और आप ये भी जानते हैं कि गुण संधि में पूर्व वर्ण निश्चित रूप से अ या आ होता है, तो अगर ओ के रूप में कहीं गुण होगा तो उत्तरवर्ती वर्ण ओष्ठ वर्ण होंगे और ओष्ठ से बोला जाने वाला स्वर भी दो ही है, जो ऊ और ऊ है। इसका मतलब यह हुआ कि ओ के रूप में गुण होने के लिए यह आवश्यक है कि पूर्व में अ या
आ हो और बाद में ओष्ठ से उच्चरित होने वाला उ या उ में से ही कोई वर्ण हो। तो अब आद्गुण सूत्र को अगर हम समराइज करें तो उसका अर्थ होता है कि यदि अ या आ के बाद ई या ई हो तो दोनों वर्ण ए के रूप में परिवर्तित होंगे, यदि अ आ के बाद ऊ या ऊ में से कोई स्वर वर्ण होता है तो दोनों वर्ण ओ के रूप में परिवर्तित होंगे, और यदि अ आ के बाद री होगा तो दोनों वर्ण अर के रूप में परिवर्तित होंगे, और यदि अ आ के बाद कोई ली स्वर होगा तो ये दोनों अल के रूप में परिवर्तित होंगे, और इसी को हम गुण संधि कहेंगे। तो आपके सामने में शायद स्पष्ट हो गया होगा कि गुण संधि हम उस संधि को कहते हैं जब दो स्वर वर्ण परस्पर मिलकर गुण के रूप में परिवर्तित होते हैं। मित्रों, मैं आपको उदाहरण की सहायता से स्पष्ट करने का प्रयास करता हूं। अब आप ध्यान पहली स्थिति को देखें दें। पहली स्थिति में मैंने आपको बताया है कि पूर्व में कंठ स्थानीय स्वर अ या अ में से कोई एक होता है और बाद में ई या ई में से कोई वर्ण होता है। तो इसका इसके उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं। सपोज कीजिए हमने शब्द लिया रमा और उसको जोड़ा ईसह के साथ, तो यहां पूर्व में आ है और बाद में क्या है, ई है। आ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु है, अतः नियमानुसार आ और ई परस्पर मिलकर ए के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे तो शब्द बनेगा रमेशः। इस उदाहरण को देख करके मैं आपके सामने में इतना कह सकता हूं कि यदि किसी शब्द को सुनने पर ए का साउंड सुनाई पड़ता है, जैसे सपोज कीजिए रमेशः, दिनेशः, सुरेशः, महेशः इत्यादि, तो ए का साउंड सुनते ही आपको समझना चाहिए कि शायद इस शब्द में गुण संधि है। तो ये तो रही ए के रूप में गुण के उदाहरण। ओ के रूप में गुण को के उदाहरण को हम पर प्लस उपकारः परोपकारः से समझ सकते हैं। अब पर शब्द में जो र है उसके बाद में स्वर है अ और वो कंठ स्थानी है, और आगे उसका मेल उपकार शब्द स्थित ओष्ठ स्थानी ऊ से हुआ है। तो नियमानुसार इन कंठस्थानी और ओष्ठ स्थानी के रूप में तीन गुण संज्ञक में से कंठ और ओष्ठ स्थानी ओ होगा, और यही कारण है कि पर प्लस उपकार मिलकर के परोपकार बनेगा। अब तीसरा जो अर के रूप में कहीं गुण होता है उसका उदाहरण आप समझ सकते हैं। मान लीजिए हमने एक शब्द लिया राजा और उसका मेल करवाया ऋषि के साथ, तो राजा शब्दोत्तर, राजा शब्द के अंत में जो आ है उसका ऋषि शब्द के आदि में जो री है उसके साथ मेल हो रहा है, और आ का उच्चारण स्थान कंठ है और री का उच्चारण स्थान मूर्धा है, तो दोनों मिलकर के कंठ मूर्धा होते हैं। तो जब इन दोनों के स्थान पर गुण एकादेश होगा तो हमें तीन गुण संज्ञक वर्णों में से देखना होगा कि तीन गुण संज्ञक वर्णों में से कौन ऐसा है जो कंठ और मूर्धा स्थानी है। तो मित्रों, ए हो नहीं सकता, ओ हो नहीं सकता, अगर कोई हो सकता है तो वो अ हो सकता है, और आप जानते हैं कि अ के रूप में गुण अर या अल के रूप में होता है। मैंने आपको पहले बताया है कि यदि अ के बाद री होता है तो वह अर रूप में परिवर्तित होगा, इसलिए राजा प्लस ऋषि बराबर राजर्षि बनेगा। यहां मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि मित्रों, जहां कहीं भी किसी भी शब्द में अर का साउंड हो, ध्यान रखिएगा अर का साउंड हो, अर की ध्वनि सुनाई पड़े, तो आप बेझिझक उस शब्द में गुण संधि को समझ जाएंगे, अर्थात आपको समझना चाहिए। जैसे मान लीजिए है सप्तर्षि है, महर्षि है, हेमंतर्तु है, शीतर्तु है, इन सारे शब्दों में आप अर का साउंड सुनते हैं, बेझिझक आप बोल सकते हैं कि इन शब्दों में गुण संधि है।
अब चौथी स्थिति आपके सामने मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जहां अल के रूप में गुण होता है, तो आपको पहले बता चुका हूं कि अल के रूप में गुण होने के लिए पूर्व में कंठस्थानी वर्ण होना चाहिए और बाद में दंतस्थानी वर्ण होना चाहिए। तो उदाहरण हम लेते हैं, मान लीजिए तब प्लस लृकार है, तो तब में व के बाद में अ है और लृकार का पहला वर्ण ली है, वो अकंठस्थानी है और लृदंतस्थानी है, दोनों मिलकर के कंठ दंती बनता है। तो आपको मालूम है कि तीन गुण संज्ञक वर्णों में से ए तथा ओ नहीं हो सकता, क्योंकि ओ इन दो में से कोई भी कंठ दंत वर्ण नहीं है। तो यदि गुण होगा तो वो अ के रूप में होगा, और अ के रूप में गुण लृ वर्ण के परे होने पर अल रूप में होता है, तो यहां अ और लृ मिलकर के अल में परिवर्तित हो जाएंगे और शब्द बनेगा तवल कारह। मित्रों, इस तरह का उदाहरण संस्कृत साहित्य में बहुत कम मिलता है, इसलिए मैं और उदाहरणों के ऊपर यहां चर्चा नहीं करता हूं। मुझे उम्मीद है कि शायद आप यह गुण संधि के स्वरूप को भलीभांति समझ चुके हैं, और अगर आपको कहीं भी दिक्कत है तो वीडियो अपलोड करने के बाद आप मुझे अवगत करा सकते हैं। धन्यवाद।